हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी आर्किटेक्ट में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि रेविट के अंदर ऐसे वेट रोड हम कैसे बनाएं। तो कुछ इस तरीके का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि रोड के ऊपर अभी यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं, तो ऐसा रोड हम कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रैबिट मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे रैबिट के अंदर मैंने एक रोड जो 20 फीट का है, और साइड में जो साइड वॉक है, और यहाँ पे हमने लैंडस्केप भी ओपन करके रखा। आप देख सकते हैं कोई अभी रोड नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पहला मैनेज में, फिर मटेरियल में, और एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, और इसको बोलते हैं पीबीआर मटेरियल। पीबीआर मटेरियल यानी फिजिकली बेस्ड रेंडर मटेरियल यहाँ पे होता है रोड। और यहाँ पे जो रैबिट है वो शायद आई थिंक 2019 और 20 से ये पीबीआर मटेरियल दे रहा है। तो वो मटेरियल बनाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें तीन इमेज चाहिए होगी। एक यहाँ पे जो जेनरिक यहाँ पे पैरामीटर जो आता है उसका इमेज, फिर यहाँ पे एक और हमें चाहिए होगा जो होता है रफनेस, और यहाँ पे तीसरा एक ऑप्शन होगा बम्प, वो हमें चाहिए होगा। तो हमें उसके जैसा एक मटेरियल चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप अगर रोड का मटेरियल बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सामने भी रोड का ही मतलब एसफाल्ट का मटेरियल ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एसफाल्ट ग्रे और लाइट ग्रे, यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ, ये वाला नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि ये येलो वाला नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि फॉर इम्प्रूव्ड रेंडरिंग यूज अ न्यूअर वर्जन अपीयरेंस एसेट इंस्टेड ऑफ दिस वन। मतलब कि इसके बदले में आप जो नए है वो मटेरियल यूज करें बेटर रिजल्ट के लिए रेंडर के। तो यहाँ पे मैं कभी भी ये वाला यूज नहीं करता, हम यही यूज करते हैं। यहाँ पे इसको बंक करते। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कहा था पैरामीटर में इमेज, यहाँ पे रफनेस, और तीसरा बम्प। तो अब हम यहाँ पे इस इमेज को हम बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे रेविट मटेरियल्स, और यहाँ पे जो होगा वो वेट एस्फाल्ट ये रहा, और यहाँ पे जो पहला ये वाला मटेरियल, फिर यहाँ पे आएगा रफनेस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यहाँ पे ये, अब इम्पोर्टेंट सबसे बात ये, पहले तो आप इसको ये मैं दो कर लेता हूँ। अब रिलीफ पैटर्न, अब रिलीफ पैटर्न हमें किसकी चाहिए, ये जो रोड है इसकी चाहिए या फिर पानी की चाहिए। आप पानी को रोड के ऊपर रखना चाहते हैं या रोड को बम्प देना चाहते हैं, मतलब इसका यही है। लेकिन मैं यहाँ पे रोड को बम्प दूंगा। क्यों? क्या? क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रोड में ही बम्प होता है। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और जो हमारी इमेज थी यहाँ पे रेविट मटेरियल, और यहाँ पे जो वेट एस्फाल्ट, और ये पहली वाली, और इसको हम अगर हमारी जो रोड है वो 20 फीट की है, तो ये 20 फीट यहाँ पे, अगर आपके यहाँ 20 फीट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जाए और ये वाला जो स्केल है उसको 20 फीट कर दीजिए। इसको भी मैं देख लेता हूँ, ये भी 20 फीट है और ये भी 20 फीट है। ओके डन, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो गया। यहाँ पे मॉडिफाई में जाके यहाँ पे पेंट में, यहाँ पे ये वाला रोड और ये मटेरियल हमने लगा दिया। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे लैंडस्केप के अंदर, तो देखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रैबिट, अब पहले कुछ नहीं था, और अब यहाँ पे आप देख सकते कुछ पानी जैसा इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, वो वैसे हमने कम कर दिया था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं वेट रोड।
सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। सो बाय।